press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon dabaiye, Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247, government job in your pocket. हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू एंड आई एम कुश पांडे. आपका स्वागत है हमारे खास शो में जहां पर हम हर साल पिछले करीब डेढ़ साल से फोकस कर रहे हैं उन सारी खबरों पर जो मैटर करती है फ्रॉम द पेपर दैट इज द हिंदू. सो बॉयज एंड गर्ल्स, फैमिली मेंबर्स, वार्म वेलकम टू द शो दैट इज द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू. चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और आपको ले चलते हैं अपनी हेडलाइंस पर. अगेन वी हैव इंक्लूडेड द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, सो यू हैव एन एडिशनल न्यूज़पेपर अपार्ट फ्रॉम द हिंदू. सो वी आर ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी headline possible. And here he aapke samne, first of all the headline from the Hindu and then the headlines from the Indian Express. From the Hindu we have three headlines from page number 1, then we have page number 6 two headlines, page number 7, page number 10 we have two headlines, page number 11, page number 12, 13 we have two headlines, 14, and then we have six headlines in the Indian Express paper, that is the six headlines jo ki hain aapke samne, 1, 7, 14, 18 and 19. So I want anyone who is watching this particular show to write down the comment section the number of headlines. I'll again repeat, page 1 has 3, page 6 has 2, 7, 10 has 2, 11, 12, 13 has 2, 14, and then we have 6 from the Indian Express, jahan par ki aapki hain 1, 7, 14, 18 and 19. With this, let's start guys, and I hope everyone is all set. Ek baar zara comments mein dal dijiye ki yes sir, we are ready to master the current affairs, because that this is the place to be to master all the current affairs that matter. I also hope that in the yesterday's exam several questions have come from this show and also from our capsule discussion. Aur agar capsule discussion se ya fir हमारे शो से कुछ सवाल फंसे हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर, तो प्लीज़ राइट डाउन द कमेंट सेक्शन, येस सर वी गॉट मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस शो एंड आल्सो फ्रॉम द डिस्कशन. एंड जब शो ख़त्म हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपलोड करिएगा कि आपको कैसा लगा कल का एग्जाम, उसमें हमारे क्वेश्चन आए कि नहीं आए, ताकि वी कैन गेट अ बेटर फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस. तो चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी द इमेज ऑफ आर फर्स्ट हेडलाइन. एंड ये रही आपके सामने द इमेज ऑफ फर्स्ट हेडलाइन, मैं हूँ हीरो तेरा. वेल ही इज़ नॉट अ हीरो फॉर एनी गर्ल फॉर एनी हीरोइन, बट ही इज अ हीरो ऑफ चाइना, बिकॉज अब कुछ ऐसा हुआ है चाइना के अंदर दैट विल मेक हिम द प्रेसिडेंट फॉर अ लाइफ टाइम. द चाइनीज पार्टी हैज क्लियरली सेड देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द टेन्योर, देर इज नो पाबंदी ऑफ द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट इन द कमिंग ईयर्स. तो जो राष्ट्रपति है या फिर जो उपराष्ट्रपति है उनका अब एक जो एक दो टेन्योर का एक रूल था, दैट टू टाइम टेन्योर रूल हैज़ बीन डिसअवाउड, उसको हटा दिया गया है. एंड दैट इज़ आर हेडलाइन गाइस, जो कि ये रही आपके सामने. सीपीसी क्लियर्स द डेक्स फॉर द थर्ड टर्म फॉर जी जिनपिंग, कम्युनिस्ट पार्टी फॉर लिफ्टिंग टू टर्म लिमिट ऑन प्रेसिडेंसी. तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ गाइस द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स. China on a Sunday cleared the decks for President Xi Jinping for a third consecutive term in office ahead of a crucial session of parliament next month. यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि the party which is the ruling party or which is the party of China, that is the CPC or the Communist Party of India, उसने propose किया है कि there should be no constitutional restriction of a two consecutive term for either the president or the vice president. And इससे होगा ये कि he will enjoy a third term and he will continue to be the president of China beyond 2023, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है. सिमिलरली यहाँ पर बात करें, उनके ये बहुत ही खास दोस्त हैं, उनका नाम है वांग जीशान. सो वांग जीशान कैन ऑल्सो मेक अ कम बैक एंड ही कैन बी रीअपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट. तो दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ चाइना दे हैव कम फॉरवर्ड विद अ न्यू लॉ. दैट लॉ सजेस्ट दैट देर विल बी नो न्यू टर्म, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द टू टर्म फॉर द प्रेसिडेंट. अब वो और टर्म भी यहाँ पर कर सकता है, दैट हैज़ बीन सेड बाय द सीपीसी नंबर वन. एंड नंबर टू, हिज वेरी गुड फ्रेंड वांग जीशान who was earlier the vice president can also be reappointed as the vice president of China. तो एक बार जरा हम दिखा दें इस ग्राफिक को फिर से.
A breaking with tradition, President Xi Jinping at last year's Congress chose not to appoint a successor. तो देखिए दोस्तों, background इसका, the basis इसका, in the previous year as well, in the previous session as well, there were ample hints, बड़ी मात्रा में hints थे, दिए गए थे कि हो सकता है he will continue further. So first point ये कह रहा है कि he did not appoint a successor. Second, the tradition of limiting presidency to 10 years emerged in the 1990s में कहा गया था कि 10 साल तक ही एक राष्ट्रपति रूल कर सकता है, पर अब ऐसा रूल नहीं होगा. थर्ड बात करें, जीज टू प्रेडेसेसर्स जियांग ज़ेमिन एंड हू जिनताओ ईच सर्व 10-year टर्म्स. मतलब इनके पहले जो मेंबर्स थे, इनके पहले जो प्रेसिडेंट्स थे, दे हैड अ सिमिलर टर्म, बट ही विल एंजॉय अ मच मोर लॉन्गर टर्म. अब देखिए यहां पर, इट इज अनक्लियर हाउ लॉन्ग जीज टेन्योर विल बी, हाउएवर द अनाउंसमेंट डज नॉट मीन दैट ही विल हैव अ लाइफ लॉन्ग टेन्योर. मतलब इसका ये मतलब तो नहीं है कि इसका लाइफ लॉन्ग टेन्योर होगा, पर लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा ही टेन्योर यहां पर हो जाए. सो गाइज, अंडरस्टैंड, जी जिन Ping has been given an extended rope. He can be the president beyond 2023. Similarly, rule change हुए हैं आपके China के अंदर. तो एक बार दिखाते हैं आपके सामने screen पर the Hindu and the static shots. And ये रहा आपके सामने. China has cleared the path for President Xi Jinping's third consecutive term. उनकी ये तीसरे लगातार term के लिए उन्हें permission मिली है, उन्हें approval मिला है. This has been said by the Communist Party of India of China. माफ करिएगा, that is the CPC. India का misspell हो गया. There will be no restriction of a two consecutive term. उससे ज़्यादा भी terms हो सकते हैं. अगर Xi Jinping की बात करें तो वो हो सकता है 2023 के बाद भी राष्ट्रपति बने रहें. Similarly, his very dear friend Wang Zishan, who had retired earlier, can be reappointed as the vice president. Now, यहाँ पर एक ज़रा mark कर देना, Z की जो political theory है, the political theory of Z is called as Thought on socialism with Chinese characteristics for a new era. I'll again repeat, guys. This is a very important theory. इस theory को एक बार जरा इसको याद कर लीजिएगा. Not the context, but only the name. That is thought on socialism with Chinese characteristics for a new era. Now, this particular political theory of Xi could be included in the constitution of China. तो मतलब एक तरह से ये emperor ही हैं. He can be called as Emperor Xi Jinping because जो भी कह रहे हैं वो allow किया जा रहा है China के अंदर. दोस्तों यहाँ पर सवाल क्या बनेगा? वापस स्क्रीन पे आ जाए. क्वेश्चन वन, हु ऑफ द फॉलोइंग शैल बी रीअपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट? द आंसर वुड बी वांग ज़ीशान. नंबर टू, विच इज द रूलिंग पार्टी और विच इज द मेन पार्टी इन चाइना? दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, दैट इज सीपीसी. नंबर थ्री, What was the earlier rule for the number of terms in China? The rule was two terms. पर उस term को भी, उस rule को भी अब तोड़ दिया गया. And third question and fourth question बनेगा, What is the name of the political theory of Xi Jinping? चलिए अब आगे ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं आपको हमारा next match, guys. अगर आपको show पसंद आया तो भैया like करते रहना और share करते रहना. आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये रहा आपके सामने the static facts about China. मैं आपके पीछे पड़ा रहूँगा, आपको परेशान करूँगा, because I want everyone to make be a master current affair. So here aapke samne, China capital hai Beijing, the currency is renminbi, the official language is standard Chinese, that can be called as Mandarin as well. It has the most neighbor country, मतलब दुनिया में सबसे अधिक अगर किसी के पड़ोसी हैं तो वो चाइना के हैं. शायद इसीलिए चाइना हर पड़ोसी के पट्टे में टांग अड़ाता है. इट इज़ ट्राइंग टू इंडल्ज इन टू दी नेबर अफेयर्स. 14 नेबर्स हैं चाइना के, बाप रे बाप. नॉर्थ कोरिया, रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम. मतलब इतने सारे नेबर्स हैं आपके चाइना के. नंबर वन. नंबर टू, अगर बात करें चाइनीज़ न्यू ईयर की, जनरली अ चाइनीज़ न्यू ईयर, द चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेटेड फॉर 15 days, मतलब 15 दिनों के लिए आपका चाइनीज़ न्यू ईयर है वो सेलिब्रेट होता है. एंड एवरी ईयर इट इज़ डेडिकेटेड टू वन ऑफ द 12 एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस ईयर इज़ डेडिकेटेड टू द डॉग. द प्रीवियस ईयर वॉज डेडिकेटेड टू रूस्टर, जिसे मुर्गा भी कहते हैं. और मेजर रिवर्स की बात करें तो यहाँ रिवर्स हैं आपकी यांगसी एंड येलो, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है. तो वापस स्क्रीन पे दोस्तों आते हैं, लेट्स कम बैक. सो आई हैव गिवन यू द मोस्ट ब्रीफ एंड द मोस्ट कंसाइज एनालिसिस ऑफ द करंट हेडलाइन. अब लेट्स फोकस ऑन आर नेक्स्ट इमेज. संचिता सिंह, सीपीसी का फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. लेट्स कम टू द नेक्स्ट इमेज. एंड ये रही आपके सामने, हु एल्स बट द गॉडेस ऑफ बॉलीवुड श्रीदेवी, द लेट श्रीदेवी. शी हैज पास्ड अवे. And that is a huge, huge loss to the world of cinema, especially in India, especially to the Tamil cinema and also to the Hindi cinema as well. So let's focus on the brief highlights of the career of this great actress from Bollywood. And uske liye dikha de ek baar screen pe the headline, Pan India superstar takes last bow, fans heartbroken.
as I was not born when she was the superstar, but of course she is the superstar of many. यहाँ पर आपके सामने ये रहा, स्क्रीन पर देख सकते हैं. At the height of her career, Sridevi was among the few female actresses in Indian cinema who had a box office heft like no other. मतलब इनका जो एक धमाल कमाल बेमिसाल था वो किसी और का नहीं था. It was a Tamil that launched her as an actor of rare talent, but she progressed on a long cinematic journey that ended in Bollywood, where she rewrote the stardom game. Somewhere between the dominant angry young man Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan, she was the superstar of the Indian cinema, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं. तो गाइज अंडरस्टैंड, बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इन विच इट हैज क्लियरली स्टेटेड दैट शी वॉज दी सुपर स्टार, द सुपर स्टार एक्ट्रेस, शी वॉज द रूलर ऑफ द इंडियन मासेस बिटवीन अमिताभ बच्चन्स डेमिस एज अ सुपर स्टार एंड द राइज ऑफ शाहरुख खान द किंग खान. तो एक तरह से ये उस समय की सबसे बड़ी सुपर स्टार थी. वेल वी हैव समथिंग मोर इन स्टोर अबाउट हर, बट उसको हम डिस्कस करेंगे लेटर. पर लेट्स हैव द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स ऑफ दिस हेडलाइन, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है और ये रहा आपके सामने. श्रीदेवी, शी वॉज बॉर्न एज श्री अम्मा यंगेर अयप्पन एंड शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सिवाकासी इन तमिलनाडु. इनकी जो तारीख है, जन्मतिथि जो है वो है 13 अगस्त 1963. इनका डेब्यू हुआ एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस इन तुनाई वन इन 1969 एज लॉर्ड मुर्गा, तो उसके नाम से इनका डेब्यू हुआ. एंड बिटवीन 77 एंड 83 she and Kamal Haasan and they played hero and heroine for at least 21 movies together. And we all know Kamal Haasan has recently launched his political party, to us party ke bare mein ek baar padh lijiyega. Sridevi interestingly was the highest paid Hindi actress from 85 to 92, matlab 85 se 92 tak inse adhik mehnatana kisi bhi actress ko nahi milta tha. Her last film guys was Mom, which starred her as well as नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड अक्षय खन्ना, इफ आई एम करेक्ट. सो वो उनकी आखिरी मूवी थी, दैट वॉज मॉम. एंड मेरी मॉम की तो शी वॉज द फेवरेट एक्ट्रेस, सो दैट आई कैन से. चलिए लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस. सो वी हैव कवर्ड टू हेडलाइंस. अगर यहाँ तक क्लियर है, अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो दोस्तों लाइक का बटन दबाएं, क्योंकि उससे मेरे को परम आनंद मिलता है. चलिए अब आपको दिखा दें हमारी नेक्स्ट इमेज. एंड हियर ही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज. आफ्टर द लेट ग्रेट एक्ट्रेस लेट्स फोकस ऑन सम ऑफ सम नेशनल अफेयर्स. वेल दिस इज एन अनमैंड एयरक्राफ्ट. एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि किसी कोई भी पायलट नहीं चला रहा. दिस इज कॉल्ड एज रुस्तम 2 अनमैंड एयर व्हीकल, जिसको कि टेस्ट फायर किया गया है अभी हाल ही में. तो लेट्स शो द हेडलाइन गाइज. रुस्तम 2 UAV टेक्स टू स्काईज. वे UAV स्टैंड फॉर अनमैंड एयर व्हीकल. तो ये रहा आपके सामने. The Defense Research and Development Organization carried out a test flight of the unmanned aerial vehicle Rustam 2 on Sunday. तो एक तरह से जो DRDO है, जो कि भैया बहुत ही न्यूज़ में है because of its various ventures into missiles, it has test fired its unmanned aerial vehicle called as Rustam 2. Of course, that is the second version, or in fact the third version of Rustam. एरियल व्हीकल्स, उसको टेस्ट फायर यहाँ पर किया गया है. दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इट वॉज टेस्ट फायर्ड एट द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज एट चित्रदुर्गा इन कर्नाटका. सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों यहाँ पर आ रहा है कि शी टेस्ट फायर्ड, ये जो आपका व्हीकल था ये टेस्ट फायर हुआ कहाँ पर. इट टेस्ट फायर्ड एट दिस पर्टिकुलर रेंज. इस रेंज का नाम यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है, इट इज़ द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज एट द चित्रदुर्गा इन कर्नाटका. इट वॉज टेस्ट फायर्ड हियर, नंबर टू. नंबर थ्री, इट बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ UAVs under development, including the Rustam and Rustam H, a medium altitude long endurance drone vehicle. एक बार आई रिपीट गाइस कि जो आपका रुस्तम UAV है, बेसिकली इट इज बेसिकली अ मेल कैटेगरी व्हीकल, मतलब मेल मतलब मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन. आई अगेन रिपीट, द UAV व्हीकल जो कि टेस्ट फायर हुआ, इसका नाम था आपका रुस्तम. इट इज़ बेसिकली अ वेरियंट ऑफ मेल. मेल इज़ अ कैटेगरी ऑफ एयर व्हीकल्स. मेल का फुल फॉर्म क्या है? मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मेल ड्रोन. और इसका हाइट हो सकता है अप टू 22,000 feet एंड हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग पेलोड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिग्नल इंटेलिजेंस मिशंस. तो बेसिकली बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है और कई सारे काम आपका रुस्तम यहाँ पर कर सकता है. तो वापस जरा स्क्रीन पे आ जाए दोस्तों. दिस इज अगेन
on page number one. I'll again repeat, the Rustam UAV has been test fired. It has been test fired in Karnataka at the Chitradurga region in the aeronautical test range, number one. Number two, this is basically a MAIL drone. What does MAIL stand for? Medium altitude, long endurance drone. That is the full form of MAIL. वो इसका एक part है and इसकी जो एक height पहुँचती है, that is up to 22,000 feet. चलिए अब आपको दिखा दें इसी का the Hindu and the static shots, जो कि ये रहा आपके सामने. Defense Research and Development Organization DRDO has carried out the test flight for the unmanned aerial vehicle Rustam 2. This flight was conducted at its aeronautical test range at the Chitradurga in Karnataka. वहाँ पर इसका test fire किया गया. Basically, it is a type of MAIL. Now, MAIL stand for Medium Altitude Long Endurance Drone. That is MAIL. It can fly up to an altitude of 22,000 feet, 22,000 feet. एक altitude तक ये travel करता है और इसका जो endurance है, वो करीब 20 घंटे का. मतलब 20 घंटे तक it can travel unmanned. जो इसका नाम है, ये नाम लिया गया है from the National Aeronautical Laboratories LCRA, जो कि है Light Canard Research Aircraft, जिसको develop किया था by Rustam Damania. तो जो Rustam Damania थे, जो कि leader थे of a team that developed LCRA, उनके नाम पर इस particular unmanned vehicle को यहाँ पर नाम दिया गया है. तो दोस्तों यहाँ पर जरा question सुनिएगा ध्यान से. Question number one, what is the name of the second variant of the India's unmanned air vehicle? That is Rustam 2. Number 2, where did Rustam 2 was test fired? The answer is the aeronautical test range at Chitradurga in Karnataka. Number 3, Rustam 2 is a type of, it is a type of MAIL. MAIL matlab purush nahi, MAIL matlab a type of vehicle, ya type of drone, jiska full form hai medium altitude long endurance drone. इसकी हाइट याद रखिएगा, दैट इज 22,000 फीट एंड इसका नाम दिया गया है फ्रॉम रुस्तम दमनिया. आई होप आपको ये पूरी हेडलाइन क्लियर हो गई होगी. यूएवी मींस अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसमें कोई युवक कोई पायलट नहीं होता है, अपने आप वो यहाँ पर चलता है. गाइज, आई विल अपलोड द 21st and 24th February PDFs. परेशान ना होना, आई विल अपलोड टूडे आफ्टर दिस शो. मुझसे मिस हो गया, दैट इज माई अपॉलॉजीज, बट आई विल कन्फर्म, आई विल अपलोड इट वंस दिस शो इज ओवर. चलिए अब आपको दिखा दें हमारी नेक्स्ट इमेज गाइज, एंड ये रही आपके सामने हमारी नेक्स्ट इमेज. एंड दिस इज द इमेज गाइज. वेल, दिस हेडलाइन इज ऑन पेज नंबर 3, इफ आई एम करेक्ट. ओके, एंड वन सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेजेस गाइज. Okay, and this is the image in front of you, दोस्तों, and this image will focuses on the CRPF. So let's focus on the CRPF, guys. Okay, it's on page number 5. So let's come to page number 5, guys. 6, it's on page number 6, and ये रही आपके सामने the खबर, guys. CRPF starts bike ambulance service in the state of Chhattisgarh. तो ये है आपके सामने the next headline, जो कि दोस्तों, जो कि आपके सामने screen पर अब आ जाएगी. And this is the headline that we are discussing right now. तब तक अगर शो आपको पसंद आया दोस्तों, प्लीज़ शो को शेयर करिए एंड ट्राई टू मेक इट द मोस्ट व्यूड शो. CRPF starts live ambulance service, bike ambulance service in Chhattisgarh. The CRPF, in the thick of the anti-Nepal or anti-Naxal operations in Chhattisgarh, has launched a unique bike ambulance initiative for providing basic healthcare facilities to those living in remote jungle areas of the Bastar region. तो जो बस्तर जिला, जो बस्तर एक रीजन है आपका छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर the CRPF, they are introducing a new bike ambulance service that will be launched for providing basic medical facilities to the remote areas in the state of Chhattisgarh, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिया भी हुआ है. सो यहाँ पर सिंपल सी खबर है कि CRPF ने लॉन्च किया है एक बाइक सर्विस, कहाँ पर? इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड फॉर द रिमोट एरियाज इन द रीजन ऑफ बस्तर. तो एक बार स्क्रीन पर आपको दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा अब आपके सामने. CRPF has launched a unique bike ambulance initiative for providing a basic healthcare facilities to those living in remote areas. जो remote areas में लोग रहते हैं, उनके लिए एक special service launch की है. जो service में they will provide medical facilities through bikes, माफ करिएगा. इससे करीब जो 70 गांव हैं, उनको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा. उसके लिए ये सुविधा को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है. चलिए तो अब बताते हैं आपको, अपार्ट फ्रॉम CRPF, CRPF है क्या? CRPF stand for Central
रिजर्व पुलिस फोर्स, ये भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज हैं। ये वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था आपका 1939 में एंड द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF इज रवि राय भटनागर, जो कि इस समय इसके डायरेक्टर जनरल भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू ऑल्सो हैव एन आइडिया अबाउट छत्तीसगढ़, तो दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर द स्टैटिक शॉट्स ऑफ छत्तीसगढ़ गाइज, एंड ये रहा आपके सामने द स्टैटिक शॉट्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है दैट इज नया रायपुर। इट हैज़ द लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये शर्म की बात है छत्तीसगढ़ वालों के लिए, इम्प्रूव करना चाहिए इसको। जो मेजर रिवर्स हैं यहाँ पर वो हैं महानदी एंड रिहंद। द मेजर डांस फॉर्म्स इन छत्तीसगढ़ आर चंदाइनी गोंडा, सोना बिहान, लोरिक चांदा, कारी एंड हरेली। अगर बात करें GI की, दैट इज़ द जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, तो जो GI यहाँ पर है या फिर जो बेसिक जिसके लिए फेमस है दैट इज़ बस्तर ढोकरा, बस्तर वुडन क्राफ्ट, बस्तर आयरन क्राफ्ट, चंपा सिल्क साड़ी एंड फैब्रिक्स, तो इन सब के लिए ये आपके एरियाज काफ़ी फेमस हैं। अगर बात करें नेशनल पार्क्स की तो वो है इंद्रावती, कांगड़ एंड गुरु घासीदास। दीज आर द 3 नेशनल पार्क्स जो कि आपके यहाँ पर इन छत्तीसगढ़ में हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज गाइस, एंड ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज ऑफ आर हेडलाइन। वेल दिस इज़ अ पिक्चरस्क इमेज ऑफ द चिल्का लेक। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लेक के बारे में जो दुनिया की तो कहें बट एशिया की और इंडिया की सबसे बड़ी लगून है। इट इज़ बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट लगून्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड अच्छी खबर आ रही है गाइज फ्रॉम चिल्का कि चिल्का इज़ इन गुड हेल्थ एज पर द सर्वे एज पर द अथॉरिटीज़, जो कि आपके सामने अब एक सेकेंड आपके सामने अब स्क्रीन पर आने जा रहा है, दिखा दें स्क्रीन पर। चिल्का इन गुड हेल्थ एज पर द अथॉरिटीज़। फर्स्ट एनुअल मॉनिटरिंग ऑफ द लेक टू मैप आउट नंबर ऑफ फ्लैगशिप स्पीशीज डन। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ द फर्स्ट पैराग्राफ इन इंग्लिश एंड देन इन हिंदी। The first annual monitoring of Chilka Lake has reassured environmentalists that Asia's largest brackish water lake or lagoon is breathing easy and its flora and fauna are in absolutely good shape. तो जो सबसे बड़ी brackish water lake है, brackish मतलब which has more salt content and lesser content of clean or river water. तो ये जो आपकी lake है, ये lake आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये this particular lake is in good health as per the authorities. Authority का नाम है the Chilka Development Authority. एंड आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इन इट फर्स्ट एनुअल मॉनिटरिंग ऑफ द लेक टू मैप आउट द नंबर एंड एक्सटेंट ऑफ द फ्लैगशिप स्पीशीज एंड टू स्टडी द बायोलॉजिकल इम्पैक्ट, उसमें पाया गया है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी स्टेबल एंड अ वेरी वेरी हेल्दी लेक। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और देखिएगा कि एज मैनी एज 155 एंडेंजर्ड इरावड़ी डॉल्फिन्स हैव बीन फाउंड इन दिस रीजन, मेकिंग चिल्का लेक द सिंगल लार्जेस्ट हैबिटैट ऑफ द स्पीशीज। तो चिल्का लेक की बात करें तो करीब करीब यहाँ पर 155 स्पीशीज पाए गए हैं ऑफ द इरावड़ी डॉल्फिन्स, और अगर इतने हैं इट मींस दैट इट दिस पर्टिकुलर लेक हैज द सिंगल लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ द इरावड़ी स्पीशीज। इसके अलावा कई तरह की और डॉल्फिन्स और बर्ड्स को भी यहां पर पाया गया है। सो लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस, सो वी आर फोकसिंग ऑन द चिल्का लेक, इट इज इन उड़ीसा, इट इज आई गेस द एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकी वाटर लगून एंड इसकी हेल्थ अब अच्छी है। एक सवाल यहां पर आ रहा है कि सर व्हाट इज अ लगून, तो एक बार आपको दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉट, जहां पर की हमने लगून की भी बात आपके सामने अब कर दी है। तो लेट्स हैव द हिंदू एंड स्टैटिक शॉट्स। चिल्का लेक आफ्टर द फर्स्ट एनुअल मॉनिटरिंग हैज रीअश्योर्ड ऑफ लेक्स गुड हेल्थ। 155 आपकी द स्ट्रेंथ है इरावडी डॉल्फिन्स की, जो कि हाईएस्ट है किसी भी सिंगल लार्ज हैबिटेट में वर्ल्ड के अंदर चिल्का में। अगर इस लेक की बात करें बेसिकली इट इज़ अ ब्रैकिश वाटर लेक जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है और रिवर वाटर कंटेंट कम है। ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया का और सेकेंड लार्जेस्ट लगून है वर्ल्ड का। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, मतलब जो आपकी घुमंतू पक्षियाँ हैं या जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ पर मैक्सिमम आती हैं इन टर्म्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लगून की बात करें, लगून बेसिकली इज़ अ स्मॉल फ्रेश वाटर लेक नियर अ लार्जर लेक और अ रिवर। मतलब बेसिकली क्या होगा, एक रिवर होगी या एक लार्जर लेक होगा, उसके कुछ हिस्से को छोड़ दें तो देर विल बी अ स्मॉल फ्रेश वाटर लेक, दैट इज़ बेसिकली अ लगून, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया भी हुआ है। सो गाइज आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझ में
आ गया है तो एक बार भैया शो को लाइक वाइक कर दे, क्योंकि आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको दिखा दें हमारी नेक्स्ट इमेज गाइस, एंड ये रही आपके सामने द वेरी नेक्स्ट इमेज। वेल हर नेम इज श्रीदेवी एंड वी डिस्कस्ड हर इन द फर्स्ट हेडलाइन, बट वी हैव समथिंग मोर ऑफ हर इन आर हिंदू पेपर, क्योंकि हिंदू पेपर में बड़ी मात्रा में इनके बारे में और भी कुछ था। तो आइए दिखाते हैं आपको उनके बारे में सम अदर फैक्ट्स मेंशनड इन द हिंदू। जो हिंदू मेंशनड है ऐसा मैं नहीं कह रहा, और ये रहा आपके सामने पेपर पे, दिखा दें उसको इस पीडीएफ पर, आप देख सकते हैं। पहला, श्रीदेवी हैज़ डन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल रोल्स फॉर अ बॉलीवुड हीरोइन, 7 times, उन्होंने 7 बार डुअल रोल्स किए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन गुरु, नड्डा बंडी, इन चालबाज, इन बंजारन, इन खुदा गवाह, लम्हे एंड गुरुदेव। सिमिलरली अपेरेंटली हर मदर राजेश्वरी वॉज ऑल्सो फ्रॉम फिल्म्स। अगर बात करें इनका फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में, सो उनकी जो पहली मूवी है लोग कहते हैं जूली है, बट द फर्स्ट मूवी दैट शी प्लेड वॉज रानी मेरा नाम इन 1972। सिमिलरली जो एक गाना है जुम्मा चुम्मा, वो गाना इन्हीं पर रखा गया था, बट दैट वॉज लेटर पिक्चराइज ऑन अमिताभ बच्चन एंड किमी काटकर, फैम करेक्ट। सिमिलरली बात करें तो और तो चीज़ें आपको पता ही हैं, ये है द फर्स्ट एसेट, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं सेकेंड पीपीटी की, जहाँ पर आप देखते हैं इनको अवार्ड्स क्या क्या मिले हैं। इन 2013 शी वॉज अवार्डेड द पद्मश्री, इंडियाज़ 4th हाई सिविलियन अवार्ड। इन 13 एज वेल शी वॉज अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला फॉर कंट्रीब्यूशन फॉर टू सिनेमा। इन 2009 उनको स्पेशल ऑनर दिया गया था बाय द 33rd कायरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर अ कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। In 97, she was awarded the Kala Saraswati Award by the Government of Andhra. 90 mein, she was awarded Smita Patil Memorial Award. 1981 mein, she was awarded the Best Actress by Tamil Nadu State Film Award. In 92, Filmfare Award for Best Actress for Lamhe. 90, again Filmfare Award, Best Actress for Chalbaz. 91, again Filmfare Award for Best Actress Telugu for Shana Shanam. 82, Filmfare Best Actress Award for Meendam Kokila, Tamil movie as well. And 77, she was awarded Filmfare Special Award for 16 Vaya Tinle. तो इनको कई सारे awards यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको एक बार स्क्रीन पर देख लीजिएगा। And we've given you the entire synopsis of the headline focusing on the great late actress Sridevi. And I hope आपको ये सारी headlines अब क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आपको ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज पे गाइस, एंड ये रही आपके सामने द वेरी नेक्स्ट इमेज। वेल लेट्स फोकस ऑन मोदी साहब, लेट्स फोकस ऑन मन की बात, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट दी लेटेस्ट मन की बात, जिसको कि अगेन मोदी जी ने एड्रेस किया। तो फोकस करते हैं इस पे गाइस। दिस हेडलाइन इज ऑन पेज नंबर 7, नहीं दिस हेडलाइन माफ करिएगा, दिस हेडलाइन इज ऑन पेज नंबर 10, एंड ये रही आपके सामने ऑन पेज नंबर 10, एंड ये स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। न्यू इंडिया नीड्स वुमन एज इक्वल पार्टनर्स सेज मोदी, नया भारत महिलाओं को बराबर मात्रा में पार्टनरशिप में चाहता है, ऐसा कहना है हमारे प्राइम मिनिस्टर का मोदी साहब। तो मित्रों आइए देखते हैं अबाउट व्हाट मोदी सर हैज़ टू से, ये रहा आपके सामने। Prime Minister Modi has stressed the need to have women as equal partners in the development of the country. उनका मानना है कि महिलाओं का बराबर का स्थान है देश के भले में, देश की जागरूकता में, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों he was discussing his पॉइंट ऑफ व्यूज एट द 41st एडिशन ऑफ द मन की बात। वापस स्क्रीन पे आएँ दोस्तों, मैं काम की ही बात कर रहा हूँ, बिकॉज मन की बात इज़ इंपॉर्टेंट, मैं आप क्या बात करें उससे मैटर नहीं करता, बट वॉट द पी एम हैज़ टू से यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दे कैन बी सर्टन क्वेश्चन दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द मन की बात। तो भाई जो को जिसको लग रहा है कि काम पर फोकस, भाई हम काम पर ही फोकस कर रहे हैं, कृपया मुझे काम करने दें। चलिए अब आपको स्क्रीन पर दिखा दें। सो इट वीज बेसिकली द 41st एडिशन ऑफ हिज मन की बात नंबर 1। यहाँ पर ही ऑल्सो कोटेड अ वेरी फेमस कोट ऑफ स्वामी विवेकानंद, जो कोट आपके सामने दे रहा हूँ मैं, द आइडिया ऑफ अ परफेक्ट वुमनहुड इज अ परफेक्ट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले एक कोटेशन दिया, दैट कोटेशन वॉज गिवन वॉज ऑफ स्वामी विवेकानंद। कोटेशन क्या था इंग्लिश में, द आइडिया ऑफ परफेक्ट वुमनहुड इज परफेक्ट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि ये एक कोटेशन दिया नंबर 1। नंबर 2 बात करें तो आप स्क्रीन पर अब देख पाएंगे कि ही रिफर टू द इंटरनेशनल वुमेंस डे, जो कि आपका 8 मार्च को होगा। ही ऑल्सो रिफर टू 2 अदर डेज, दैट इज नेशनल सेफ्टी डे एंड नेशनल साइंस डे। तो देखिए दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं,
कि तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले कि मन की बात के अंदर ही फोकस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, जो कि राहुल गांधी भी करते आए हैं बहुत ही अनसक्सेसफुली, पर ही इज़ ट्राइंग टू पुल इट ऑफ, नंबर वन. नंबर टू, इन्होंने कोटेशन दिया स्वामी विवेकानंद का जो आपके सामने दिया हुआ है, दैट इज़ द आइडिया ऑफ परफेक्ट वुमनहुड इज परफेक्ट इंडिपेंडेंस, ये कोटेशन दिया. उसके बाद ही हाईलाइटेड ऑन थ्री इंपॉर्टेंट डेज, वो तीन इंपॉर्टेंट डेज पर उन्होंने फोकस किया. पहला था आपका द इंटरनेशनल वुमेंस डे, और सेकेंड था द नेशनल सेफ्टी डे, एंड थर्ड था आपका नेशनल साइंस डे. तो गाइज यहाँ पर आप एक बार ध्यान सुनिएगा कि ये तीन चीज़ें हैं, इनको ज़रा आप पढ़ लीजिएगा कि ये दिन कब कब आपके होते हैं. वेन इज़ द नेशनल वुमेंस डे, वेन इज़ द नेशनल सेफ्टी डे, एंड वेन इज़ द नेशनल साइंस डे. इन तीनों को एक बार आप बिल्कुल देख लीजिएगा. अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ों पर और फोकस किया. ही फोकस्ड ऑन द गोवर्धन स्कीम, जिस स्कीम का फुल फॉर्म है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, जिससे कि दे विल कन्वर्ट द मैन्योर द गोबर इनटू यूसेज, जिससे कि दे विल कन्वर्ट द रूरल वेस्ट इनटू क्लीन एनर्जी. तो उस पर भी इन्होंने यहाँ पर फोकस किया, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने दिया भी हुआ है. सो लेट्स कम बैक गाइस. सो आई मेक यू अंडरस्टैंड. द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड वुमन आर इक्वल पार्टनर, नंबर वन. नंबर टू, ही कोटेड अ कोट फ्रॉम स्वामी विवेकानंद. नंबर थ्री, तीन दिवस के बारे में बात की, इंटरनेशनल वुमेंस डे, नेशनल सेफ्टी डे, नेशनल साइंस डे. फोर्थ पॉइंट, ही ऑल्सो फोकस्ड ऑन द गोवर्धन स्कीम. गोवर्धन मीन्स गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, एंड जहाँ पर ही फोकस्ड ऑन कन्वर्टिंग द रूरल वेस्ट इंटू एनर्जी. रूरल वेस्ट को कन्वर्ट करने की बात की इंटू रूरल एनर्जी. तो एक बार स्क्रीन पर आपको दिखा दें इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने. द 41st एडिशन ऑफ हिज मन की बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज्ड द नीड टू हैव वुमेन एज इक्वल पार्टनर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. उन्होंने विवेकानंद का एक बहुत ही फेमस कोटेशन कोट किया, दैट इज द आइडिया ऑफ परफेक्ट वुमनहुड इज परफेक्ट इंडिपेंडेंस, इसको भी उन्होंने यहां पर कोट किया. उन्होंने रेफर किया तीन दिवसों को, द फर्स्ट वन इंटरनेशनल वुमेंस डे, जो कि 8 मार्च को हुआ. ही डिस्कस्ड अबाउट नेशनल सेफ्टी डे, जो 4 मार्च को हुआ. ही फोकस्ड ऑन नेशनल साइंस डे, जो कि होगा आपका 28 फरवरी को. He also referred to the newly launched scheme, the Gobardhan scheme, इसका full form I'll again repeat, galvanizing organic bio agro resources, जिससे कि ensure किया जाता है कि हम rural waste को convert करें into electricity या into usage. चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक सारी हेडलाइंस क्लियर हैं. अगर क्लियर हैं तो एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए, येस सर दे आर क्रिस्टल क्लियर. और भैया अगर चाहें तो आप शो को लाइक भी आप शो को कर सकते हैं. सो विद दिस इंटेंशन गाइस, लेट्स फोकस ऑन आर नेक्स्ट इमेज. एंड ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज. वेल, दिस इज अ ग्लिम्स, दिस इज एन इमेज ऑफ द इंडियन नेवी, ये भारतीय नौसेना की हम आपके सामने अब बात करने जा रहे हैं गाइस. एंड आइए बात करते हैं नौसेना की, बिकॉज द इंडियन नेवी विल होस्ट अ नेवल एक्सरसाइज कॉल्ड एज मिलन फ्रॉम मार्च 6 to 13 नियर द अंडमान निकोबार आइलैंड्स. तो ये रहा आपके सामने दैट हेडलाइन गाइस. नेवी टू होस्ट मिलन एक्सरसाइज फ्रॉम मार्च 6 to 13. यहां पर मेरे को इसका फुल फॉर्म नहीं मिला. अकॉर्डिंग टू मिलन, मिलन इज अ हिंदी वर्ड, मिलन इन इंग्लिश मीन्स मीट. सो बेसिकली नेवी इज गोइंग टू होस्ट मिलन फ्रॉम मार्च 6 to 13. आपके सामने स्क्रीन पर पढ़ देता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ. द इंडियन नेवी विल होस्ट द मल्टी नेशनल मिलन सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेज एट पोर्ट ब्लेयर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम मार्च 6 to 13. तो आने वाले मार्च 6 से मार्च 13 के बीच अंडमान निकोबार आइलैंड में होगा द मिलन एक्सरसाइज, जिसमें कि कई दुनिया की कंट्रीज पार्टिसिपेट यहाँ पर करेंगी. वेल, अगर हम बात करें मिलन की, मिलन इज एन एक्सरसाइज दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1995, एंड फ्रॉम दैट ईयर टिल टूडे इट हैज मोर देन 20 कंट्रीज who are participating in this particular exercise, that is the Milan exercise, जो कि हम यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. So let's come back guys. So यह बात समझिएगा, Indian Navy is going to host the Milan exercise कहाँ पर, in the Andaman Nicobar Islands, जहाँ पर कि करीब 20 के ऊपर देश आएंगे. And उसके बारे में जानते हैं थ्रू द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने. The Indian Navy will host the multinational Milan. It will be hosted at Port Blair in the Andaman and Nicobar Islands, जो कि होगा मार्च 6 से मार्च 13 के बीच. यहाँ पर जरा मार्क कर दो स्क्रीन पर द थीम, जो इसका एक थीम है, जो इसका शीर्षक है, दैट इज फ्रेंडशिप अक्रॉस द सीज, दैट इज द थीम ऑफ द मिलन एक्सरसाइज. इट वॉज हेल्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 1995.
are 24 countries including India, Australia, Bangladesh are participating in this exercise jo ki aapki 1995 se shuru hui hai. 1995 mera date of birth hai. Chaliye ab aapko le chale hamari next image par, and here hi aapke samne the very next image, and this is the image guys. Well, let's focus on the Supreme Court. Aaiye baat karte hain ab hum Supreme Court ki. Tab tak agar aapne show ko like nahi kiya bhai, please yaar haath pair jod ke bol raha hu, like kar do yaar, acha lagega mere ko. Let's come to page number 11 and wapas screen pe aate hain. Ek sawal hai aapse, I have a question for all of you. All of you must know that Supreme Court in 2016, 2016 में Supreme Court ने कहा था कि जो national highways हैं उससे 500 मीटर अंदर तक कोई भी liquor shop नहीं open होगा. All liquor shops that were in the region of 500 meters from the national highways, all those liquor shops were completely banned. उन्हें बंद करने की बात की गई थी. क्या आपको पता है ये बात? अगर पता है तो आप अच्छी तरीके से current affairs पढ़ रहे हैं. Well, in that ban, certain things have been relaxed. उस ban के अंदर कुछ चीज़ों में कमी की गई है. For example, the state highways, many of the state highways, they have been exempted. Many of the municipalities, जो municipalities हैं या जो पंचायत हैं उस area में, उनको किया गया. तो उसके ऊपर हमारी आज की खबर है जो कि ये रहा आपके सामने guys. States can relax highway liquor ban, जो कि आपके सामने screen पर आप देख सकते हैं. The Supreme Court gave the state governments the discretion to decide on facts whether areas covered by local self-governing bodies or areas proximate to the municipal pockets should be exempted from the court's nationwide prohibition on sale of liquor within 500 meters along the highways. तो यहाँ पर दोस्तों, according to the Supreme Court, उन्होंने कहा है state government को कि आप decide करो कि जो self-governing bodies हैं या फिर जो municipalities हैं उनको आप इस ban से हटाएं कि ना हटाएं, जो कि यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है. सो आई अगेन रिपीट, वापस स्क्रीन पे आते हैं. भाई मैं 95 पैदा नहीं हुआ हूं, इट वाज जस्ट अ जोक. फोकस ऑन द हेडलाइन प्लीज, प्लीज फोकस ऑन द हेडलाइन. 95 में पैदा नहीं हुआ हूं, परेशान ना हो आप लोग. सो ये रहा आपके सामने. सो देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि द सेल्फ गवर्निंग बॉडीज और द एरियाज विच आर अप्रोक्सीमेट टू द म्यूनसिपैलिटीज, उनको लाया जाए कि ना लाया जाए इसकी बात यहाँ पर नहीं कही जा रही है. एंड दिस डिसीजन इज अपॉन द स्टेट टू डिसाइड एंड नॉट बाय द सुप्रीम कोर्ट. दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ऑन जुलाई 11, 2017 द कोर्ट एग्जेम्प्टेड म्यूनिसिपल एरियाज फ्रॉम द प्रोहिबिशन. It is said the ban mainly targeted the busy national and state highways. मतलब जो आपके बहुत ही व्यस्त national और state highways हैं, सिर्फ उन पर ही इसको allow किया गया था. बाकी normal highways पर इसको allow नहीं किया गया था. तो आप screen पर देख सकते हैं कि basically this is now not applied on the municipalities as well, जो कि आप screen पर भी देख रहे हैं. So दिखा दें आपको इसी का the Hindu static shorts, जो कि ये रहा आपके सामने screen पर. The states will relax highway liquor ban that can decide whether areas approximate to municipal pockets should be exempted or not. अगर सुप्रीम कोर्ट बैन की बात करें तो एक नेशन वाइड प्रोहिबिशन था लिकर की सेल पर. लिकर मतलब मदिरा पान, उसका मैं एक सभ्य वर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें कहा गया था कि ऑल लिकर शॉप्स विद इन 500 मीटर्स अलॉन्ग द हाईवेज विल बी बैंड. पर 11 जुलाई 2017 कहा गया कि कोर्ट ने कुछ चीज़ों को, कुछ एरियाज को एग्जेम्प्ट किया था फ्रॉम दीज पर्टिकुलर एरियाज. चलिए अब आपको दिखा दें हमारी नेक्स्ट इमेज गाइज, प्लीज़ फोकस अगैन. It's okay. I was just joking. So आप focus करिए headline पर. And now let's have the next image, guys. आपके सामने हैं दो लोग. Well, I hope many of you must know about these two people. ये दो लोग कौन हैं? इनकी जानकारी आप में से कई लोग को बिल्कुल होनी चाहिए. यहाँ पर जो पहले हैं उनका नाम है मैत्रीपाला सिरीसेना. And the other individual, guys, is Mr. रानिल विक्रम सिंघे, if I'm correct. One is the president and the other is the prime minister. वापस स्क्रीन पे आते हैं. देखिए, इन श्रीलंका वी हैव एन एक्स प्रेसिडेंट, उनका नाम है महिंदा राजपक्से. इन द रीसेंट लोकल पोल्स, इन द रीसेंट लोकल बॉडी पोल्स, द महिंदा राजपक्से पार्टी वन अ बाल्टी भर के सीट्स. वो बाल्टी भर के दे वन अलॉट मेनी सीट्स इन श्रीलंका. बिकॉज ऑफ दिस द कोलिशन बिटवीन रानिल्स पार्टी एंड सिरीसेनास पार्टी, देवर डिस्कशंस. तो उसको लेकर नाउ द लॉ मिनिस्टर, द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका इज द सेम प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर रानिल विक्रम सिंघे. तो स्क्रीन पर दिखा दें आपको.
रानिल टेक्स ओवर लॉ मिनिस्ट्री इन अ कीरी शफल, आपके सामने रही फर्स्ट हेडलाइन। अमिड कंसिडरेबल स्पेकुलेशन अबाउट द कैबिनेट शफल सीन एज अ पार्ट ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट्स करेक्टिव मेजर्स फॉलोइंग इट्स रीसेंट पोल ड्रबिंग, प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे टुक ओवर द की लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑन संडे। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने इस पोस्ट को लिया है फ्रॉम सगाला रत्नायका एंड ही इज़ नाउ द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो एक बार स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर। प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे टुक ओवर एज द लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्ट्री, उन्होंने रिप्लेस किया है सगाला रत्नायके को। अगर श्रीलंका की बात करें, इसका कैपिटल है दोस्तों श्री जयवर्धना पूरे कोट्टे, दैट इज़ द कैपिटल। इट गेन इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1948, 1948 में इसको इंडिपेंडेंस मिली। इसका जो पुराना नाम है वो है सेलोन। यहाँ पर दुनिया की पहली फीमेल प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनी थी, उनका नाम था श्री मावो बंदरनायके जो। और सिमिलरली श्रीलंका जो है इसको कहा जाता है द टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया, बिकॉज जो इसका एक जो आप मैप देखोगे मैप में ये एक टीयर ड्रॉप के फॉर्म में इसकी इमेज आती है। सो बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज द टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। एक सवाल आ रहा है अमन आनंद का, भाई दोस्त बड़ी, यहाँ सवाल क्या बने, सवाल बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टेकन ओवर एज द लॉ मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। इंपॉर्टेंट है बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज द लॉ मिनिस्टर, तो ये सवाल एग्जाम में आएगा, इसीलिए मैंने इस हेडलाइन को यहाँ पर लिया। मैंने प्रॉमिस किया दोस्तों से कि अगर हल्की सी भी एक करंट अफेयर है आई विल एड दिस अप इन द हेडलाइंस। चलिए अब आपको दिखा दें हमारी नेक्स्ट इमेज गाइज, एंड ये रही आपके सामने द वेरी नेक्स्ट इमेज, एंड दिस इज द इमेज गाइज। लेट्स फोकस ऑन ONGC, दिस इज ONGC विदेश। आइए इसकी बात करते हैं, बिकॉज ONGC was investing in Iran, but now it will not invest in the liquefied natural gas facility of Iran. ये रहा आपके सामने दोस्तों। OVL drops plan to build Iran LNG facility. मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ONGC Videsh Limited has shared plans to build a $5 billion LNG export facility in Iran and has instead opted to only invest in developing a giant gas field in the Persian Gulf, for which the revised cost is being worked out as per officials. स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि OVL, जिसका फुल फॉर्म है ONGC Videsh Limited, उसने कहा था कि they will spend $11 billion in developing the Farzad B field in the Persian Gulf as well as building the infrastructure support फॉर इट, बट अब उन्होंने कहा है कि वो जो एलएनजी फैसिलिटी है वो नहीं करेंगे, वो बाकी सारे काम यहां पर कर देंगे। तो दोस्तों यहां पर खबर आ रही है कि OVL विच स्टैंड फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन विदेश लिमिटेड, वो अब एलएनजी फैसिलिटी में को बिल्ड नहीं करेगा, बट इट ओनली विल प्रोवाइड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा वो कोई यहां पर काम नहीं करेगा। सो लेट्स शो यू द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडलाइन, जो कि ये रही आपके सामने स्क्रीन पर। ONGC Videsh Limited has dropped plans to build a $5 billion LNG export facility in Iran. Last year, उन्होंने कहा था कि $11 billion लगेंगे for developing the Farzan B field in the Persian Gulf, similarly the infrastructure as well, पर अब वो इसको develop नहीं करेगा। अगर हम ONGC की बात करें तो ONGC का जो ईयर है दैट इज़ 1956, जो हेडक्वार्टर्स हैं इसके वो हैं आपका देहरादून उत्तराखंड में। द करंट चेयरमैन डायरेक्टर ऑफ ONGC इज श्री शशि शंकर, और इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस फील्ड जो कंपनी जो है इंडिया में दैट इज़ ONGC, तो दैट इज़ इंडिया लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि ONGC इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स एनी इंजीनियर कैन गेट, पर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो दिस इज़ आर हेडलाइन गाइस कि OVL drops plan to build Iran LNG facility। चलिए अब दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज, एंड ये रही आपके सामने द वेरी नेक्स्ट इमेज गाइस, एंड दिस इज़ द इमेज जिसकी हम बात यहाँ पर आपके सामने कर रहे हैं। दोस्तों अगर शो पसंद आ रहा है तो शो को लाइक करना मत भूलें। चलिए लेट्स फोकस ऑन आर नेक्स्ट इमेज गाइस। वेल ये आपके सामने एक व्यक्ति हैं, इनका नाम तो मुझे पता नहीं, पर ही इज़ यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ गिवन बाय द कहो इंडिया कंपनी, द कहो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज़ प्रोवाइडिंग लिथियम आयन बैटरीज टू लाइट अप द रूरल हाउसेज। तो ये रही आपके सामने द हेडलाइन गाइस, लिथियम आयन बैटरीज चार्ज अप इन रूरल हाउसेज, कहो इंडिया सेज इट्स प्रोड्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड्स पावर बियॉन्ड द ग्रिड। मैं आपके सामने देखता हूँ द फर्स्ट हेडलाइन गाइस,
The shift towards lithium-ion batteries from the older technology of lead-acid batteries has allowed firms like Kaho India Private Limited to help the center achieve its rural electrification target even in areas beyond the reach of the grid. तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो Kaho India कंपनी है वो प्रोवाइड कर रही है सेंटर को जिसका टारगेट है अंडर द सौभाग्य स्कीम टू इलेक्ट्रीफाई रूरल हाउसेज. उसके लिए विद द हेल्प ऑफ लिथियम बैटरीज दे आर ट्राइंग टू लाइट अप द रूरल हाउसेज, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है. तो आपको दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर. Kaho India Private Limited is helping center achieve its rural electrification target even in areas beyond the reach of the grid. इस डिवाइस के साथ आप पावर कर सकते हैं 3 बत्तियों को, 1 फैन, 1 फोन चार्जर एंड ऑल्सो द सॉकेट टू पावर अ DC पावर टेलीविजन. मतलब उसको भी यहाँ पर आप कर सकते हैं. इसका जो एक बैटरी दैट इज लिथियम आयन बैटरीज, जो कि इसकी यहाँ पर बैटरीज भी हैं. दोस्तों यहाँ पर बात समझिएगा कि दीज डिवाइसेज हैव अ कॉस्ट ऑफ 50,000 रुपए की ये डिवाइसेज हैं. बट द गुड थिंग इज क्या इन 50,000 रुपए को सरकार बेच खरीद रही है एंड उसको फ्री में इट इज़ गिविंग टू द रूरल हाउसेज. तो अगर हम खरीदेंगे तो ये होगा करीब 50,000 का, पर अगर इसे खरीदेगा सरकार इट इज़ परचेजिंग इट एंड प्रोवाइडिंग इट फ्री टू द रूरल फार्मर्स और टू रूरल रूरल हाउसेज एज वेल. चलिए अब राजेश कोंडा भाई, मैं स्टैटिक में देता हूँ CM और गवर्नर को, आज नहीं दिया बिकॉज वो काफ़ी फेमस स्टेट थे इसीलिए मैंने वहाँ पर नहीं दिया, पर अगली बार मैं ध्यान रखूँगा. चलिए अब आपको दिखा दें हमारी नेक्स्ट इमेज एंड ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज गाइज. वेल दिस विल फोकस ऑन द कोल माइनिंग. आप सब जानते हो कि जो कोल माइनिंग है दैट इज़ नाउ प्राइवेटाइज्ड. नाउ कोल माइंस कैन बी बॉट फॉर अ लीज बाय प्राइवेट कंपनीज. तो आइए बात करते हैं इस पर्टिकुलर हेडलाइन के बारे में. और जो हेडलाइन दोस्तों है, ये हेडलाइन है आपके सामने ऑन पेज नंबर 14, दैट इज़ द बिजनेस रिव्यू पेज. तो आइए हम सब आ गए हैं अब पेज नंबर 14 पे और बात करते हैं हम इसी पर्टिकुलर हेडलाइन की. एंड ये रही आपके सामने, व्हाई हैज़ कोल माइनिंग बीन ओपनड अप. द सेंटर ओपनड अप द कमर्शियल कोल माइनिंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर ऑन February 20. 70% जो पावर जनरेशन है इंडिया का वो होता है कोल से. तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोल माइनिंग को ओपन किया जाए टू दी प्राइवेट सेक्टर. पहला सवाल यहाँ पर है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, क्या इसका इम्पोर्टेंस है. तो दोस्तों यहाँ दिखा हुआ है कि 1973 में द कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज, 75 में द कोल इंडिया लिमिटेड वॉज फॉर्म, जो कि मेन काम देखता था. उसके बाद सेंटर का मानना है कि द सेक्टर विल मूव फ्रॉम एन एरा ऑफ मोनोपोली टू दैट ऑफ कंपटीशन, क्योंकि वो चाहता है कि कोल सेक्टर में कंपटीशन बढ़े. बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कंपटीशन दे आर ट्राइंग टू प्राइवेटाइज द कोल माइनिंग, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है. सेकेंड क्या है, वॉट हैज़ लेड टू दिस मूव. द कोल मिनिस्ट्री हैड फ्रॉम 93 टू 2011 एलोकेटेड 218 कोल ब्लॉक्स टू पब्लिक सेक्टर टेकिंग्स एंड प्राइवेट फर्म्स फॉर स्पेसिफाइड फंक्शंस, फॉर एग्जाम्पल फॉर पावर, स्टील एंड सीमेंट. पर अब उसका कहना है कि इट विल एलोकेट द कोल माइंस एज वेल. तो वो आप सीधे तौर पर कोल माइंस को यहाँ पर एलोकेट कर, जिससे कि वहाँ पर एक जिससे कि वहाँ पर आपका भला होगा फ्रॉम दी वहाँ पर बेनिफिट होगा टू दी पीपल टू बेसिकली दी प्राइवेट कंपनीज. तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें आपको इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. इसका है नहीं तो इसका होना चाहिए वैसे. तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, ये रहा आपके सामने. द सेक्टर विल मूव फ्रॉम एन एरा ऑफ मोनोपोली टू दैट ऑफ कॉम्पिटिशन. अर्ली इट वॉज नेशनलाइज इन 1973. सेकेंड सवाल यहाँ पर है कि इसका रीज़न क्या है मूव का. गिवन द प्रेजेंट डिमांड एंड सप्लाई फॉर सिचुएशन एंड द प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इट हैज़ बीन अलाउड. सिमिलरली बात इम्प्लीमेंटेशन की, तो दे विल बी एन असेंडिंग फॉरवर्ड ऑक्शन. यहाँ पर जो ऑक्शन होगा दैट वुड बी दी तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि 24 क्वेश्चंस आए थे इस शो से, 100 में से GPSC इलेक्ट्रिकल स्पेक्टर एग्जाम में. क्या बात है, थैंक यू सो मच यार फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. अच्छी बात है, एक लाइन लिखा नहीं आता है भैया, बहुत कुछ आता है.
तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय दी असेंडिंग फॉरवर्ड ऑक्शन स्कीम, जो कि एक टू स्टेज का ऑनलाइन ऑक्शन है, जो कि होता है पहले टेक्निकल बिड में, एंड सेकेंड जो आपका होता है वो होता है फाइनेंशियल बिड, जिसमें कि इनिशियल और फाइनल प्राइस ऑफ ऑफर को यहाँ पर किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि दो चीज़ें हैं। पहला कि जो ऑक्शन होगा दैट विल बी ऑक्शन विल बी असेंडिंग फॉरवर्ड ऑक्शन, जिसमें कि पहला होगा टेक्निकल बिड एंड सेकेंड आपका होगा फाइनेंशियल बिड, जिसमें कि इनिशियल एंड फाइनल प्राइस ऑफर्स को लिया जाएगा। तो वो चीज़ों को यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फोकस करिएगा ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन फोकस मत करिएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज गाइस, एंड ये रही आपके सामने द नेक्स्ट हेडलाइन, एंड दिस इज द हेडलाइन गाइस। नाउ लेट्स फोकस ऑन द इंडियन एक्सप्रेस। अब बारी है हमारे इंडियन एक्सप्रेस की। ओके, ये रही आपके सामने गाइस द इंडियन एक्सप्रेस। वी हैव हेडलाइंस पेज 1, पेज 7, पेज 14, पेज 18 एंड पेज 19। तो देख दिखाते हैं आपको, ये रहा आपके सामने द फर्स्ट हेडलाइन गाइस। आईआईटी सेट टू गेट 25% ऑफ गवर्नमेंट लोन्स फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। दोस्तों इन द बजट एक स्कीम थी, उस स्कीम को मैंने डिस्कस किया था। उस स्कीम का नाम था राइज। राइज का फुल फॉर्म था रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स एजुकेशन, दैट वॉज द नेम ऑफ द स्कीम। इस स्कीम के तहत दे वर ट्राइंग टू फंड दी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उससे जो अंतर्राष्ट्रीय जो आपके एक एजुकेशन बेस्ड संस्थान है उनको दिया गया था। तो इसके तहत अराउंड 1,00,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड टू IITs, IIMs एंड ITs, जिसमें से 25,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड टू दी 23 IIT, जो कि हमारी नेक्स्ट हेडलाइन है दोस्तों। तो यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि IIT सेट टू गेट 25% ऑफ गवर्नमेंट लोन्स फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पर कि 25% जो होगा मतलब 25,000 करोड़ जो होगा, इट विल बी गिवन टू दी IITs। स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कितना हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल IITs को दिया जाएगा 25,000। सिमिलरली जो आपकी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनको दिया जाएगा करीब 20,000 करोड़। सिमिलरली IIMs को दिया जाएगा 4,500। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों कि what is the division of the फंडिंग डन बाय हेफा। नाउ हेफा हियर मीन्स हायर एजुकेशन फंडिंग हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। दिस इज़ द एजेंसी विच विल फंड द एंटायर स्कीम, जो कि आपके सामने दिया हुआ है हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी, जो कि यहाँ पर आपकी इन्वेस्ट करेगा इन दी डिफरेंट सेक्टर्स। चलिए अब आपको दिखा दें हमारी नेक्स्ट इमेज, दैट इज ऑन पेज नंबर 7, एंड वो ये रही आपके सामने गाइस। राइज का फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, परेशान ना होइएगा। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, इंडिया कंग्रेचुलेट्स चाइना फॉर बिकमिंग वाइस चेयर इन दी FATF। FATF जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए उसमें बिकमिंग द वाइस चेयरमैन बनने के लिए चाइना को कंग्रेचुलेट किया है इंडिया ने। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, टू डेज आफ्टर बीजिंग लिफ्टेड इट्स ऑब्जेक्शन टू पुट पाकिस्तान इन द ग्रे लिस्टिंग एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंडिया ऑन संडे कंग्रेचुलेटेड चाइना फॉर बिकमिंग द वाइस चेयरमैन ऑफ द ग्लोबल बॉडी दैट इज द FATF। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उसके वाइस चेयरमैन पे आने के लिए इंडिया ने कंग्रेचुलेट किया है चाइना को। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि FATF रिसेंटली हैड सेड दैट पाकिस्तान इज स्टिल अ टेरर फाइनेंसिंग बॉडी, वो एक टेरर को बढ़ावा देने वाली कंट्री है। उसको 2015 के बाद फिर से एडअप किया गया इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विच आर इन द टेरर फाइनेंसिंग। तो उसके लिए भी यहां पर एक बार जूम कर दो भाई, लोग डिमांड कर रहे हैं। तो उसके लिए भी इसको यहां पर इन्वेस्टमेंट किया गया। तो स्क्रीन पर आप देखते हैं दोस्तों, ऑन फ्राइडे द FATF प्लेस्ड पाकिस्तान अंडर द मॉनिटरिंग इट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन ग्रुप अंडर द ग्रे लिस्ट, और इसके लिए उसने बधाई दी है टू द चाइनीज गवर्नमेंट। यहाँ पर दी मेन डिस्कशन वॉज डन बाय द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन का नाम यहाँ पर है दोस्तों विजय गोखले, जो कि भारत के विदेश सचिव भी यहाँ पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज वी हैव कवर्ड टू हेडलाइंस एंड लेट्स फोकस ऑन आर नेक्स्ट हेडलाइन, दैट इज ऑन पेज नंबर 9, एंड वो ये रही आपके सामने। वापस स्क्रीन पर जरूर आ जाए।
गाइज अंडरस्टैंड, हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है दैट इज टिंटिन्स इन द स्काई स्कोपिंग आउट अ नेट फॉर ऑल. नाउ दिस हेडलाइन फोकसेस ऑन द स्टार लिंक सैटेलाइट और द स्टार लिंक कॉन्स्टलेशन, जो कि एक आइडिया है, जो कि एक ब्रेन चाइल्ड है, जो कि एक विजन है ऑफ द ग्रेट इलॉन मस्क. इलॉन मस्क का मानना है कि जब उनका जो ये स्टार लिंक कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट है, जब ये पूरा तरीके से बन जाएगा, देन द ब्रॉडबैंड सर्विसेज विल बी एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट, इन फैक्ट इट कुड बी फ्री. तो ये आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों. एक सवाल आ रहा है पुराने सवाल का. देखो, FATF का हेडक्वार्टर्स है पेरिस. कल ही हमने डिस्कस किया था सैटरडे को कि FATF क्या है. ये रहा आपके सामने दोस्तों, टिंटिन्स इन स्काई स्कोपिंग आउट अ नेट फॉर ऑल. रिसेंटली SpaceX has launched a BAS mission through the launcher rocket that is Falcon 9. यहाँ पर दे लॉन्च टू सैटेलाइट्स विच विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द स्टार लिंक कॉन्स्टलेशन. यहाँ पर अगर बात करें तो उन्होंने दो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था जो कि बनेंगे पार्ट ऑफ द स्टार लिंक कॉन्स्टलेशन. यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार लिंक विल लाइकली हैव 12,000 सैटेलाइट्स जो कि बनेंगी दो लेयर्स में. द फर्स्ट लेयर विल बी कॉल्ड एज LEO दैट स्टैंड फॉर लो अर्थ ऑर्बिट एंड द सेकेंड ऑर्बिट विल बी कॉल्ड एज VLEO दैट मीन्स वेरी लो अर्थ ऑर्बिट. तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ही हैज़ अ विजन ऑफ हैविंग अ स्टार लिंक सैटेलाइट जो कि आपके सामने दिया हुआ है. ये जो आपका कॉन्स्टलेशन है ये बनेंगे इसके दो लेयर्स. फर्स्ट लेयर जो होगी वो बनेगा आपका LEO दैट स्टैंड फॉर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट एंड सेकेंड बनेगा आपका VLEO दैट मीन्स वेरी लो अर्थ ऑर्बिट. यहाँ पर LEO विल बी एट अ हाइट विल कंसिस्ट ऑफ 4-5 सैटेलाइट्स एंड द VLEO विल कंसिस्ट ऑफ 7-5-1 सैटेलाइट. तो दोस्तों ये पढ़ते रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बिल्कुल आपका आ सकता है. तो पहला तो इसका नाम दैट इज LEO VLEO. सेकेंड कितने सैटेलाइट 12,000, उनमें से 4-4-2-5 इन LEO एंड 7-5-1-8 इन VLEO. नंबर टू. नंबर थ्री की बात करें तो LEO विल प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एंड VLEO विल एनहांस द ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी. तो स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हो कि दोनों चीज़ों में, एक तो आपका हेल्प करेगा टू गिव ब्रॉडबैंड एंड सेकेंड यहाँ बात करा तो वो आपका एनहांस करेगा कैपेसिटी को. यहाँ पर जो दो सैटेलाइट जिनको कि लॉन्च किया गया था उनके नाम था टिंटिन ए एंड टिंटिन बी. दीज टू सैटेलाइट्स वर लॉन्च बाय SpaceX इन द आउटर स्पेस. इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था. इसके अलावा बात करें Facebook is also trying to develop a satellite. Facebook भी चाह रहा है कि वो भी ऐसा काम करे एंड उसके लिए it will launch MOS-6. उसको भी उसने लॉन्च किया था जो कि ख़राब हो गया था, but it is again launching the MOS-6 जिससे कि it can provide broadband to the African continent. तो ये भी यहाँ पर important part है. चलिए अब आपको दिखा दें वापस हमारा PPT जहाँ पर हमारा जो next headline है दोस्तों वो आपके सामने दी हुई है. तो यहाँ पर नेक्स्ट इमेज है दोस्तों दैट विल फोकस ऑन इरिडाई चेमन का नाम याद रखिएगा. जो चेमन है उनका नाम बता दूं मैं आपको. उनका नाम दोस्तों है उनकी पोस्ट वेकेंट हो गई है. उनका नाम एक बार जो देख लीजिएगा बिकॉज अब उनकी जगह कोई भी आपका व्यक्ति अभी अपॉइंट नहीं हुआ है, जो कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात भी है. सो वी हैव टू पोजीशंस. वी हैव वन द इडा चेयरमैन एंड नंबर टू द आरबी डेप्टी गवर्नर. अभी भी डेप्टी गवर्नर की पोस्ट, अभी भी आपके जो इडा चेयरमैन की पोस्ट है वो खाली है, तो उसको भरने की बात यहाँ पर की गई है. तो वो हमारा सेकेंड हेडलाइन है. और अब चलते हैं हमारे लास्ट टू हेडलाइंस पर. जो लास्ट टू हेडलाइंस है उनमें पहली जो है दैट फोकसेस ऑन विराट कोहली. विराट कोहली को दिया गया है द ICC टेस्ट चैंपियनशिप मेस, मतलब इंडियन टीम इज द ICC नंबर वन रैंकिंग्स. उनको इसके लिए दिया गया द मेस जो कि दिया जाता है टू द नंबर वन टेस्ट रैंकिंग टीम. इसके लिए है नंबर वन जो कि आपके सामने यहाँ दिया हुआ है, जो कि उनको दिया गया है द ICC टेस्ट मेस नंबर वन. नंबर टू बात करें तो मैरी कॉम और सीमा जो कि दो हमारे फाइटर्स हैं, MC मैरी कॉम एंड सीमा, उन्होंने जीता है आपका सिल्वर. एंड अमित पंगल हैज़ वन हर सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटरनेशनल गोल्ड इन द इवेंट, जो कि आपके सामने यहाँ दिया हुआ है दोस्तों कि बेसिकली उनको सिल्वर से ही
सेटल करना पड़ा है, जो कि हैं आपके मैरीकॉम एंड सीमा, बट इसी टूर्नामेंट में आपका जीता है गोल्ड बाय मिस्टर अमित पनखल, जो कि आपके सामने यहां पर दिया हुआ है दोस्तों। दैट इज दी हेडलाइन, जो कि हमारी आज की आखिरी हेडलाइन है। सो गाइज विद दिस इज कुश पांडे साइनिंग आउट फ्रॉम द शो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग विथ मी। विल बी बैक टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइज।